नमस्कार दोस्तों, चूर ऑनलाइन क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8 के यूनिट 3 में आधुनिक राजस्थान का निर्माण। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त वरीद राजस्थान में कौन सा क्षेत्र है वो सम्मिलित नहीं था? जोधपुर, कोटा, किशनगढ़, अजमेर, मेरवाड़ा। जोधपुर, कोटा और किशनगढ़ ये संयुक्त वरीद राजस्थान में सम्मिलित थे, जबकि अजमेर मेरवाड़ा का जो क्षेत्र है ये सातवें चरण में शामिल किया गया था। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, अजमेर मेरवाड़ा है वो संयुक्त वरीद राजस्थान क्षेत्र में सम्मिलित नहीं था। दोस्तों अजमेर मेरवाड़ा को सातवें चरण में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख बताना है तो दोस्तों इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा भोपाल सिंह। क्या हो जाएगा? भोपाल सिंह। ऑप्शन ब इसमें राइट हो जाएगा। संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख है वो भोपाल सिंह थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? वर्तमान जो राजस्थान है 1 नवंबर 1956 ईस्वी को अपने वर्तमान अस्तित्व में आया था। इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान का जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 25 जनवरी, 30 मार्च या 21 जून। इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राजस्थान का गठन कब किया गया? संयुक्त राजस्थान का गठन कब किया गया था? इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को। कब किया गया था संयुक्त राजस्थान का गठन? 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर, धौलपुर, भरतपुर व करौली को मिलाकर किस संघ का निर्माण हुआ? अलवर, धौलपुर, भरतपुर व करौली को मिलाकर किस संघ का निर्माण हुआ था? इसमें राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य संघ का। क्या? मत्स्य संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ की राजधानी थी? भरतपुर, कोटा, अलवर, अजमेर, मेरवाड़ा। तो मत्स्य संघ की जो राजधानी थी दोस्तों अलवर। क्या हुआ? क्या थी मत्स्य संघ की राजधानी? अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें सम्मिलित थी? एकीकरण से पूर्व राजस्थान के अंदर 19 रियासतें थी दोस्तों। कितनी रियासतें थी? 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकरण से पूर्व राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश था वह था? एकीकरण से पूर्व राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश था दोस्तों कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। ऑप्शन से इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के रियासती विभाग के निर्णय अनुसार स्वतंत्र भारत की वे ही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती हैं जिनकी न्यूनतम आय क्या हो? 1 करोड़ रुपए वार्षिक हो, यानी एक साल की जो उनकी इनकम है वो 1 करोड़ से ज़्यादा हो, वही अपना क्या रख सकती हैं? पृथक अस्तित्व, यानी अलग अस्तित्व रख सकती हैं। वो स्वतंत्र रियासतें थी, है ना, जिनकी आबादी क्या, जिनकी वार्षिक आय क्या थी? 1 करोड़। ऑप्शन द इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरीद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? वरीद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? इसमें राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने चरणों से गुजरते हुए वर्तमान राजस्थान नवंबर 1956 में अस्तित्व में आया? तो कितने चरण हुए थे? 7 चरण हुए थे। कितने चरण? 7 चरण हुए थे। राजस्थान अपना वर्तमान जो राजस्थान का नाम आया 1 नवंबर 1956 को, राजस्थान अपना वर्तमान स्वरूप में आने के लिए कितने चरणों में गुजरना पड़ा था? 7 चरणों को। 7 चरण कंप्लीट हुए तब अपने को जाकर राजस्थान नाम मिला था 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी राजस्थान राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी थी? पूर्वी राजस्थान और राजस्थान संघ की राजधानी बतानी है दोस्तों। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कोटा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।